हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और न्यू कमाल के वीडियो के अंदर। भाई लोगों, क्या आप लोगों को पता है कि बहुत जल्दी हमारे गेम के अंदर ट्रॉपिकल पैरेट M1887 स्किन के साथ साथ और भी बहुत सारी M1887 की गन स्किन्स रिटर्न में आने वाली है। तो ये सभी M1887 के गन स्किन्स गेम के अंदर आपको कब तक रिटर्न देखने को मिलेंगे, आज के इस वीडियो पे हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। इन सभी अपकमिंग इवेंट्स को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इन फ्यूचर ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो भाई लोगों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ईवो M1040 ड्रैको फ्लेम के बारे में, जो कि दोस्तों आपको गेम के अंदर OB43 अपडेट के बाद ही देखने को मिलेगी, जो हमारे नेक्स्ट ईवो वोल्ट इवेंट के अंदर मिलने वाली है। अगर हम ईवो वोल्ट इवेंट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जो आप लोगों को नेक्स्ट ईवो वोल्ट इवेंट देखने को मिलेगा वो आप लोगों को 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को 4 गन स्किन्स देखने को मिलेगी, जहां आपको 2 लॉन्ग रेंज और 2 शॉर्ट रेंज ईवो गन देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट रेंज की बात करें तो इस ईवो वोल्ट इवेंट के अंदर आप लोगों को 2 शॉर्ट रेंज गन के अंदर फर्स्ट आपको ईवो M1040 ड्रैको फ्लेम देखने को मिल जाएगी और सेकंड आपको देखने को मिलेगी UMP का स्किन। ये 2 गन स्किन तो आप लोगों को शॉर्ट रेंज में जरूर देखने को मिलेगी और बाकी अगर 2 लॉन्ग रेंज की बात की जाए तो पहली होगी आप लोगों के लिए M4A1 का स्किन, ठीक है, और दूसरा होगा आप लोगों के लिए हमारे न्यू SCAR 2.0, जो कि ज़ॉम्बी थीम पर आपको बेस देखने को मिल जाएगी। और ये नेक्स्ट ईवो वोल्ट का इवेंट आप लोगों को 12 से 10 फरवरी के बीच देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर ही आप लोगों को ड्रैको M1040 देखने को मिलेगा। तो कमेंट करके बताएं कि आप लोग इसको निकालेंगे या फिर नहीं, या फिर आप लोग किसी और गन स्किन की तरफ जाना पसंद करेंगे। अभी मेरे पास SCAR 2.0 का रिव्यू नहीं है, OB43 अपडेट आने दीजिए, मैं आप लोग को प्रॉपर रिव्यू करके दिखा दूं और साथ ही में इन दोनों ईवो गन्स का मैं आप लोगों को कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगा कि हमारी ओल्ड ईवो स्कार ज्यादा बेटर है या फिर हमारी न्यू ईवो स्कार ज्यादा बेटर है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग इन दोनों गन स्किन का कंपैरिजन देखना चाहते हैं या फिर नहीं, और इस ईवो वोल्ट इवेंट से आप लोग कौन सी गन स्किन को निकालेंगे ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही में बहुत सारे भाई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि अगर हमारे गेम के अंदर पोकर MP40 रिटर्न में आ रही है तो क्या अब नेक्स्ट हमें टाइटन स्कार गन स्किन रिटर्न में देखने को मिलेगी या फिर नहीं। दोस्तों, तुम लोगों के दिमाग में बिल्कुल सही क्वेश्चन चल रहा है और इसका आंसर है यस। दोस्तों, अभी आप लोगों को हमारे गेम के अंदर 16 जनवरी के दिन देखने को मिल जाएगा पोकर MP40 की सभी गन स्किन्स रिटर्न में, वो भी रिंग इवेंट के ऊपर, ठीक है। तो जो आप लोगों को नेक्स्ट रिंग इवेंट देखने को मिलेगा ना इस MP40 रिंग के बाद, वो आप लोगों को स्कार का ही देखने को मिलेगा। उस रिंग इवेंट के ऊपर आप लोगों को टाइटन स्कार के साथ साथ बाकी की जितनी भी स्कार के स्किन्स है ना, उस इंक्यूबेटर से रिलेटेड, वो सभी उस रिंग इवेंट के ऊपर देखने को मिल जाएगी और उसके ऊपर आप लोगों को यूनिवर्सल रिंग टोकन का यूज करके ही एक्सचेंज करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को यूनिवर्सल रिंग टोकन देखने को मिलने वाले हैं टाइटन स्कार के रिंग इवेंट के ऊपर, पर पोकर MP40 के रिंग इवेंट के ऊपर आप लोगों को यूनिवर्सल रिंग टोकन का यूज कर पाओगे या फिर नहीं, इसके बारे में अभी मेरे पास कोई भी डिटेल नहीं है। ये तो आप लोगों को 16 जनवरी के दिन ही पता चल पाएगा, जिस दिन दोस्तों आप लोगों को पोकर MP40 का रिंग इवेंट देखने को मिलेगा। तो कमेंट करके बताएं आप लोग यहां पर पोकर MP40 के रिंग इवेंट से किसी गन स्किन को निकालेंगे या फिर नहीं, और टाइटन स्कार अगर गन स्किन आप लोग निकालना चाहते हैं आप लोग को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग को मुझे लगता है कि OB43 अपडेट के बाद ही ये रिंग इवेंट देखने को मिल जाए। और साथ ही में एक भाई का कॉमेंट है, भाई गेम के अंदर ज़ॉम्बी समुराय बंडल कब तक रिटर्न आने वाला। तो भाई लोगों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि गेम के अंदर बहुत जल्दी आप लोगों को ज़ॉम्बी समुराय बंडल भी रिटर्न देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट मंथ हमारा फरवरी आ रहा है ना, उसके अंदर आप लोगों को ज़ॉम्बी थीम पर बेस बहुत सारे आइटम्स को रिटर्न किया जाने वाला है गरीना फ्री फायर की तरफ से, क्योंकि फरवरी मंथ के अंदर ही आप लोगों को ईवो स्कार 2.0 देखने को मिलेगी, जो कि ज़ॉम्बी थीम पर बेस है। तो आप लोगों को ज़ॉम्बी समुराय बंडल भी रिटर्न देखने को मिल जाएगा उसी टाइम पर। मुझे लगता है कि ये आप लोगों को 20 फरवरी से पहले गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा, और उस टाइम आप लोगों को चाओस इवेंट भी देखने को मिल रहा है, जो कि एक घोष टाइप इवेंट होने वाला। तो भाई लोगों, जो आप लोगों को ज़ॉम्बी समुराय रिटर्न देखने को मिलेगा वो आप लोगों को फरवरी मंथ के अंदर देखने को मिल जाएगा। और अगर बात की जाए इसके इवेंट की, तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों को रिंग इवेंट के ऊपर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि गरीना फ्री फायर जितने भी आइटम्स को आप रिटर्न कर रही है वो सभी रिंग इवेंट के ऊपर ही किए जा रहे हैं। और दोस्तों, खुदा ना खास्ता अगर रिंग इवेंट पे ना आता है तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ये लक रॉयल के ऊपर, और उस लक रॉयल के अंदर आप लोगों को ज़ॉम्बी समुराय बंडल के साथ साथ और भी बहुत सारे आइटम्स को डाल के दिया जाएगा, जो कि ज़ॉम्बी थीम पर बेस होने वाले हैं। तो आप लोग अपने अकाउंट के अंदर अभी से डायमंड को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो अगर आप लोग यहाँ पर ज़ॉम्बी समुराय बंडल को निकालना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों इस बंडल को निकालने के लिए मुझे लगता है ना कि आपको करीब करीब 2000 से लेकर 3000 डायमंड स्पेंड करने पड़ेंगे, तभी जाके तुम लोगों को ये बंडल मिल पाएगा और इसके अंदर आप लोग टोकन से भी एक्सचेंज कर पाएंगे। कमेंट करके बताएं कि आप लोग इसको निकालेंगे या फिर नहीं। और साथ ही में एक भाई का और कमेंट है, भाई गेम के अंदर ब्लडी मून बंडल्स कब तक
रिटर्न आने वाले हैं, क्योंकि गरेना फ्री फायर पर डे आप लोगों को कोई ना कोई सरप्राइज दे ही रहा है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ब्लडी मून बंडल्स भी आपको गेम के अंदर बहुत जल्दी रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। अगर इसके पॉसिबल इवेंट की बात की जाए तो आप लोगों को ब्लडी मून के जो बंडल्स हुए हैं वो रिंग इवेंट के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। सभी के सभी ब्लडी मून बंडल्स आपको रिंग इवेंट के अंदर डाल के दे दी जाएंगे, जहां पर आप लोगों को अपने डायमंड्स को स्पेंड करना है और इन बंडल्स को निकाल लेना है। और अगर बात की जाए ये कब तक आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों को फरवरी मंथ या फिर मार्च मंथ के अंदर देखने को मिलेंगे, या फिर चाओस इवेंट के टाइम पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि चाओस इवेंट की जो थीम है ना वो घोस्ट थीम है। घोस्ट थीम और समुराई थीम पर आपको जितने भी बेस्ट आइटम्स हैं वो सभी आप लोगों को मार्च मंथ और फरवरी मंथ के अंदर रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। अगले 2 महीनों के अंदर आपको गेम के अंदर ना करीब 7 से 8 इनक्यूबेटर्स के बंडल्स और गन स्किन्स रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। ये चीज आप लोग लिख के रख लो और अपने अकाउंट के अंदर डायमंड्स को सेव करके रखो, क्योंकि आने वाले 2 महीनों के अंदर ना आप लोगों का बहुत ज्यादा कटने वाला है। आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कौन से आइटम को निकालना है और कौन से आइटम को आपको इग्नोर करना है। कमेंट करके बताना कि आप लोग ब्लडी मून बंडल्स को निकालोगे या फिर नहीं। समुराई बंडल की लिस्ट में ये काफी ऊपर आते हैं भाई लोगों, तो ध्यान रखना इनको। अगर आप लोग डायमंड लगाना पसंद करते हैं तो इनको जरूर निकालो। और साथ ही में एक भाई का कमेंट है, भाई गेम के अंदर स्क्वाड बीट्स के बंडल कब तक रिटर्न आने वाले हैं? तो भाई लोगों आप लोगों स्क्वाड बीट का कोई भी बंडल या फिर कोई भी आइटम जब तक रिटर्न नहीं किया जा सकता, जब तक अगेन से गरेना फ्री फायर स्क्वाड बीट के साथ में कोलैबोरेशन नहीं करता। क्योंकि गरेना फ्री फायर जब किसी बड़े ब्रांड के साथ में या फिर किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता था, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने बैठूं तो आप लोग नहीं समझ पाओगे। पर अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एक सीधा सा एग्जांपल दूं तो वो यही है कि दोस्तों गरेना फ्री फायर अगर अगेन से स्क्वाड बीट के साथ में कोलैब करता है तभी आप लोगों को ओल्ड स्क्वाड बीट्स के आइटम्स देखने को मिल जाएंगे रिटर्न में। आप लोग अगर एक इसका एग्जांपल लो तो मुझे लगता है कि वन पंच मैन से बढ़िया एग्जांपल आप लोगों को और देखने को नहीं मिलेगा। वन पंच मैन का जब कोलैबोरेशन हुआ था उसी टाइम आप लोगों को वन पंच मैन के सभी आइटम्स देखने को मिले थे। उसके बाद से लेके आज तक गरेना फ्री फायर ने इन्हें अगेन से रिटर्न नहीं किया। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये लोग भी कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होते हैं और अगर अगेन से वन पंच मैन के साथ में कोलैब होता है तो आप लोगों को ओल्ड वाले आइटम्स रिटर्न में देखने को मिल जाएंगे। मुझे पता है यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग आप लोगों का फुद्दू बनाते हैं, चूतिया बनाते हैं और आप लोग बन जाते हो, पर दोस्तों अभी आप लोगों को स्क्वाड बीट का कोई भी आइटम रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए भाई लोगों अभी आप लोग अपनी उम्मीद को मत बांध के बैठना कि आप लोगों को स्क्वाड बीट्स के या फिर वन पंच मैन का कोई आइटम रिटर्न देखने को मिला हुआ। अगर इन फ्यूचर इन दोनों का कोलैब होता है तभी आप लोगों को ओल्ड वाले आइटम्स रिटर्न देखने को मिलेंगे, वरना दोस्तों आप लोगों को नहीं मिलेंगे। पर अगर इन फ्यूचर मुझे अपडेट मिलते तो मैं आप लोगों को अपडेट करके जरूर बताऊंगा अपनी किसी वीडियो के अंदर। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन बेल को भी ना ऑल पे सेट करके रखना। और साथ ही में बात कर लेते हैं ब्लैक विडो फॉर्मास लेजेंडरी गन स्किन्स के बारे में। दोस्तों एक टाइम पे ये गन स्किन्स बहुत ही ज्यादा रेयर हुआ करती थी और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे ये गन स्किन्स बहुत ज्यादा रेयर है, क्योंकि दोस्तों गरेना फ्री फायर ने एक बारी गेम के अंदर इनको लाया है, उसके बाद से लेके आज तक ये कभी रिटर्न देखने को नहीं मिली। पर दोस्तों मुझे एक छोटी सी अपडेट मिली है कि OB43 अपडेट के अंदर आप लोगों को ये वाली गन स्किन्स भी रिटर्न देखने को मिल जाएगी, जो कि आप लोगों को रिंग इवेंट के ऊपर देखने को मिलेगी। पर दोस्तों अभी मुझे ये आइडिया नहीं है कि ये आप लोगों को कब तक गेम के अंदर देखने को मिलने वाली, या तो ये आपको फरवरी मंथ में मिल सकती है या फिर मार्च में या फिर मई में। पर ये OB43 अपडेट के ऊपर आप लोगों को जरूर से जरूर रिटर्न देखने को मिलेगी। और अगर ये गेम के अंदर आती है ना तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि यार इसको जरूर निकालना। अगर आप लोग डायमंड स्पेंड करना पसंद करते हैं गेम के अंदर तो इनकी तरफ जरूर जाना, क्योंकि बहुत ही कमाल की गन स्किन्स है और यार इनका लुक मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। कमेंट करके बताएं कि आप लोग इनको निकालेंगे या फिर नहीं निकालेंगे। और साथ ही में अब बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल पैरेट के साथ साथ और भी बहुत सारी M1887 की गन स्किन्स आपको रिटर्न में देखने को मिलने वाली है। तो ये सभी गन स्किन्स आप लोगों को फरवरी मंथ के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों एक इवेंट आएगा जिसके अंदर आप लोगों को ये सभी की सभी गन स्किन्स देखने को मिलने वाली है, जिसके अंदर सबसे मेन जो गन स्किन होगी वो आप लोगों के लिए ट्रॉपिकल पैरेट ही होने वाली है, क्योंकि ट्रॉपिकल पैरेट गरेना फ्री फायर के अंदर आज भी उतनी ही ज्यादा रेयर है जितनी ये पहले हुआ करती थी और आज भी M1887 के उतने ही लवर है जितने पहले हुआ करते थे। तो आप लोगों को ये सभी की सभी M1887 की गन स्किन्स गेम के अंदर हमारे रिटर्न देखने को मिलने वाली है। और गरेना फ्री फायर नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर मैंने आप लोगों से कहा कि बहुत सारे आइटम्स को रिटर्न करने वाली है, बहुत सारे मतलब आप लोग थक जाओगे आइटम्स को निकालते निकालते, पर आप लोगों के दिमाग में बस यही क्वेश्चन चलेगा कौन सा आइटम निकालना है और कौन सा छोड़ना है, ठीक है। पर ये वाली जो M187 की स्किन है ट्रॉपिकल पैरेट ये अब उतनी ज्यादा खास रही नहीं जितनी ये पहले हुआ करती थी, क्योंकि दोस्तों अब के टाइम के अंदर आप लोगों को ईवो गन्स देखने को मिलती है और ईवो गन्स भी ऐसी वैसी नहीं, खतरनाक एट्रीब्यूट के साथ में और खतरनाक GFX और एनिमेशन के साथ में। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रॉपिकल पैरेट को लोग इतना निकालना पसंद करेंगे, पर आप कॉमेंट करके बताना कि आप लोग इसको निकालेंगे या फिर नहीं।
ये आप लोगों को फरवरी या फिर मार्च मंथ के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी रिंग इवेंट या फिर लक रॉयल के अंदर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने था, होप आप लोगों को सभी अपडेट्स बहुत पसंद आए होंगे और अगर अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इन फ्यूचर ऐसी अपडेट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ना ऑल पे सेट करना ना भूलें। और अगर तुम लोगों के दिमाग में कोई अपडेट चल रहा है तो जाइए कॉमेंट बॉक्स में उस अपडेट को लिखिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उस कॉमेंट को पिक करके आप लोगों के कॉमेंट के आंसर देने की कोशिश करूंगा। सो होप अब मिलते हमारी नेक्स्ट एंड न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग गाइस, जय हिंद जय।